हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक ऑस्कर कंपनी का सीआरटी टीवी आया है बनने के लिए, और यह टीवी दोस्तों 21 इंची का है। तो टीवी हम दोस्तों स्टार्ट कर दिए हैं, आपको फॉल्ट दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर में 1 इंची दोस्तों यह पतला पतला रिट्रेस लाइन आ रहा है, और इसका दोस्तों ऊपर से 1 इंची हाइट छोटा हो गया है, नीचे से भी दोस्तों हाइट इसका थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो दोस्तों हम इसी फॉल्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जानना हमें यह जरूरी है कि यह जो प्रॉब्लम आया है तो आया है कहाँ से। तो दोस्तों यह प्रॉब्लम जो आया है वह वर्टिकल सेक्शन से प्रॉब्लम आया है, क्योंकि दोस्तों यह ऊपर में है, हॉरिजॉन्टली रिट्रेस लाइन इसको कहते हैं दोस्तों, तो पतला पतला रिट्रेस लाइन है, और दोस्तों हाइट इसका छोटा हो गया है। तो हाइट ऊपर और ऊपर से नीचे पिक्चर को फैलाने का काम वर्टिकल सेक्शन का है। तो दोस्तों ऊपर से हमारा छोटा आ रहा है, तो यह प्रॉब्लम दोस्तों हमारा वर्टिकल सेक्शन का है, यह डिक्लियर है। यही फॉल्ट दोस्तों अगर ऊपर से नीचे की ओर रहता रिट्रेस लाइन, तो यह दोस्तों वर्टिकल रिट्रेस लाइन रहता, और दोस्तों जब इसका चौड़ाई कम रहता तो दोस्तों यह हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट था, ठीक है। तो यह दोस्तों वैसा नहीं है, यह हमारा वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। तो वर्टिकल सेक्शन में दोस्तों एक कंडेंसर लगे हुए रहते हैं 100 MV 63 V का, दोस्तों वही कंडेंसर इसमें अधिकतर खराब होता है। तो हम भी दोस्तों खोल के वही कंडेंसर बदलेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि आपको नए वीडियो का मैसेज हमेशा मिले, और दोस्तों आप वीडियो देखें और कुछ नया सीख सकें। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, तभी आप दोस्तों संपूर्ण रूप से अच्छे तरह समझ पाइएगा, और वीडियो को बिना भगाए हुए देखिए। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा आपको नजदीक से रिट्रेस लाइन भी दिखाते हैं। दोस्तों यही रिट्रेस लाइन है, ऊपर में जो यह लाइनिंग देख रहे हैं यही रिट्रेस लाइन है, और ऊपर से दोस्तों 1 इंच इसका पिक्चर जो है छोटा हो गया है, नीचे से भी दोस्तों थोड़ा सा यह हाइट इसका छोटा है। तो इसी प्रॉब्लम को दोस्तों हम बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम टीवी को खोलते हैं और टीवी के पीछे चलेंगे, और इसको दोस्तों हम आपको रिपेयर करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों हम टीवी को खोल दिए हैं, और इसका जो सिस्टम आईसी है दोस्तों TDA 11105 PS और V3386, यही दोस्तों इसका सिस्टम आईसी यहां पर लगा हुआ है, और यह हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर है। दोस्तों देखिए यह पावर सप्लाई है, जब इसका पावर सप्लाई रेगुलेटेड काम नहीं कर रहा था उसके बाद दोस्तों इसमें यूनिवर्सल पावर सप्लाई चाइना किट लगाया हुआ है, और यही दोस्तों हमारा वर्टिकल सेक्शन है। इसमें LA78040 आईसी लगा हुआ है, ESD दोस्तों हमारा 4014K है, ठीक है। तो दोस्तों आप जो यह देख रहे हैं, देखिए दोस्तों यही वर्टिकल सेक्शन है, और यह पावर सप्लाई का कैपेसिटर है। तो वर्टिकल सेक्शन का कैपेसिटर ये वाला है दोस्तों, ये ब्लू वाला, तो इसी कैपेसिटर को दोस्तों हम रिपेयर करेंगे बनाएंगे। चलिए थोड़ा नजदीक से दिखाते हैं, देखिए दोस्तों यही कैपेसिटर है, ठीक है। ये देखिए हिल भी रहा है, इसका लगता है कि प्रिंट टूट गया है या खराब हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए हिल रहा है, यही कैपेसिटर को दोस्तों हम निकाल कर नया लगा देंगे, मीटर से अभी कुछ भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। ये इस कैपेसिटर को बदलने के बाद अगर प्रॉब्लम हमारा नहीं सही ठीक होगा तब दोस्तों हम मीटर से चेक करेंगे वोल्टेज वगैरह, ठीक है। एक बार दोस्तों हम ऐसा ही ट्राई कर लेते हैं। दोस्तों इस फॉल्ट में अधिकतर यही कैपेसिटर खराब रहता है, और दोस्तों बनाते बनाते कुछ हम लोगों को अनुभव भी हो गया है रिपेयर करते करते, इसलिए दोस्तों हम डायरेक्ट पहले हम आपको यह बदल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमें जो कैपेसिटर बदलना है वह दोस्तों कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, और ये पॉइंट यहाँ है दोस्तों, तो इसका देखिए प्रिंट यहाँ से कवर गया है, टूट कर गिर गया है, ठीक है। इसका सोल्डिंग भी छोड़ दिया है, एक पॉइंट इसका लगा हुआ है। तो यह दोस्तों के नंबर पिन से कनेक्टेड है वह दिखाते हैं। तो यह हमारा 1 है, ये 2 है, और यह 3 है। तो 3 से दोस्तों यह कनेक्टेड है, देखिए 3 नंबर पिन पर दोस्तों यहां से आकर और यह प्रिंट द्वारा यहां आया है, और यहीं से दोस्तों यह कनेक्ट है। नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर होगा, और यह दोस्तों हमारा पॉजिटिव है, कंडेंसर का पॉजिटिव, और यह कंडेंसर का नेगेटिव। यह दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ जो सप्लाई आया डायोड द्वारा वही दोस्तों
इस पर कैपेसिटर लगा हुआ है फिल्टर कैपेसिटर का। जब सप्लाई को फिल्टर करता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हैवी करंट एम्पियर बनता है और उसी के कारण दोस्तों पिक्चर अच्छे ढंग से हमारा फैल पाता है, फैलता है पिक्चर के, पिक्चर ट्यूब के चारों तरफ। तो चलिए इस कैपेसिटर को दोस्तों हम बाहर निकाल लेते हैं और इसके जगह दोस्तों हम न्यू कैपेसिटर लगा कर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यही कैपेसिटर है, यह 100 μF 63 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। तो दोस्तों हम न्यू कैपेसिटर लगा देते हैं, सेम कैपेसिटर यह दोस्तों हमारे पास न्यू है, हम दोस्तों यही लगा देते हैं 100 μF 63 वोल्ट। तो दोस्तों कैपेसिटर में नेगेटिव पॉजिटिव है, तो यह दे हमारा नेगेटिव का चित्र है, पुराने वाले में भी दोस्तों है, और इस साइड दोस्तों पॉजिटिव है। तो नेगेटिव को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर भी सिंबल बना हुआ है पीसीबी पर भी, तो जो उजला रेघाड़ी आप देख रहे हैं एक साइड, इधर दोस्तों नेगेटिव है और उस साइड पॉजिटिव है। तो दोस्तों देखिए हम ऐसे ही लगा देंगे, अगर उल्टा लगाएंगे तो यह दोस्तों हमारा कैपेसिटर खराब हो जाएगा। यह दोस्तों देखिए बैठ गया है, इसको अच्छे ढंग से बैठा देते हैं, ठीक है। और दोस्तों अब हम इसको अच्छे ढंग से सोल्डिंग कर देंगे। एक पिन को हम सोल्डिंग करते हैं, दूसरा पिन दोस्तों हम ब्लेड मार के रखे हुए हैं, इसी पर दोस्तों हम सोल्डिंग कर देंगे। जो प्रिंट टूट गया उस पर दोस्तों हम ब्लेड मार के रखे हुए हूँ, यहीं पर दोस्तों हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं ताकि दोस्तों यह काम करे, कैपेसिटर और हाइट और रिट्रेस लाइन हमारा सही हो जाए। अब जो फालतू का पिन है दोस्तों कैपेसिटर का, यह काट देंगे। कैपेसिटर कहिए या कंडेंसर कहिए, दोनों का दोस्तों बात सेम है। तो देखिए दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों हम इसमें सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं, जो रिट्रेस लाइन था सही हो गया कि नहीं। तो दोस्तों हम टीवी में सप्लाई दे दिए हैं और टीवी हमारा स्टार्ट हो गया है, आपको स्क्रीन दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गया है, इसमें अब रिट्रेस लाइन नहीं है। चलिए दोस्तों आपको स्क्रीन दिखाते हैं, और हाइट भी दोस्तों इसका पूरी तरह पिक्चर फैल गया है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। यहां से देख लीजिए, यहां पर जो रिट्रेस लाइन ऊपर में आ रहे थे, यह दोस्तों रिट्रेस लाइन नहीं है, अब हमारा रिट्रेस लाइन खत्म हो चुका है और पिक्चर चारों तरफ दोस्तों पूरी ढंग से फैल चुका है, ठीक है। यही दोस्तों इसमें प्रॉब्लम था। तो दोस्तों इसमें अधिकतर वही कंडेंसर खराब आता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, और शेयर और कमेंट दोस्तों जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।